सुशांत रिया केस में अगले 24 घंटे में सीबीआई की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान मुमकिन है। जी हाँ, सीबीआई के हाथ 3 ऐसी चाबियां लगी हैं जिनसे राज के ऐसे ऐसे ताले खुलने वाले हैं जिनके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, भले ही मामला ड्रग्स कनेक्शन की तरफ मुड़ चुका हो, लेकिन याद रखिए सीबीआई की तफ्तीश अब सुशांत के मर्डर एंगल पर शुरू हो चुकी है और सीबीआई इसी एंगल पर तहकीकात करते हुए आगे बढ़ रही है। सीबीआई से जुड़े सूत्र खुलासा कर रहे हैं कि मर्डर एंगल पर सीबीआई के सामने 3 ऐसे पुख्ता बातें आई हैं कि पूरे मामले में लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो आइए बताते हैं आपको कि सीबीआई के पास आखिर कौन सी 3 बड़ी चाबियां लगी हैं। पहली चाबी, सुशांत के सबसे खास दोस्त महेश शेट्टी। जी हाँ, महेश शेट्टी ही वो शख्स थे जिन्हें सुशांत ने आखिरी कॉल किया था। और अगर आपको याद हो तो सुशांत की मौत के बाद होने वाले ड्रामे से महेश शेट्टी बहुत दूर भी हैं। उन्होंने ना किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और ना ही कुछ बड़ा खुलासा किया। महेश बहुत कुछ जानते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि ये कहने का सही प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल नहीं है। बताया जा रहा है कि महेश शेट्टी ने अब सीबीआई को कुछ ऐसे हिला देने वाली जानकारियां दी हैं कि पूरे मामले में तूफान आ गया है। जी हाँ, महेश आखिरी दिनों में सुशांत के साथ वेल कनेक्टेड थे और वो ऐसी बातें जानते थे जो कोई और नहीं जानता। अब सुशांत का यही दोस्त महेश शेट्टी सीबीआई के साथ खड़ा है और इन्होंने काफी बड़े खुलासे कर दिए हैं जिनके बारे में सीबीआई अब बहुत जल्द ऐलान करने वाली है। दूसरी चाबी, दिशा सालियान की मौत और सुशांत की मिस्ट्री। काफी लोग बहुत पहले से ही दिशा सालियान की मौत और सुशांत की मौत के कनेक्शन को नकारते रहे, लेकिन अब कुछ ऐसी फाइंडिंग सामने आई है जो पुरानी थ्योरी को एकदम गलत साबित करती है। पहली बात ये पता चली कि दिशा की मौत के फौरन बाद सुशांत ने अपने लॉयर से बात की थी। सवाल ये है कि आखिर दिशा की मौत के बाद सुशांत को क्या किसी बात का डर सता रहा था। दूसरी बात ये भी है कि दिशा सालियान की मौत की जगह के बारे में भी बड़ा खुलासा हो रहा है। कहा जा रहा है कि दिशा की लाश बिल्डिंग से इतनी दूरी पर मिली जो कि नॉर्मल कूदने से नहीं हो सकती। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सीबीआई को ये कंफर्म किया है कि दिशा की लाश बिल्डिंग से जितनी दूर मिली है उससे साफ है कि उसे धक्का दिया गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अनएक्सपेक्टेडली बिल्डिंग से काफी दूर गिरी। तीसरी चाबी, सुशांत की विसरा रिपोर्ट। इन पहली दो चाबियों के बाद सीबीआई का शक और गहरा गया और तब जाकर उसने इस केस में तीसरी चाबी निकाली। यह है सुशांत की विसरा रिपोर्ट। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई का भरोसा नहीं। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अपनी इनिशियल फाइंडिंग में सीबीआई को काफी ऐसी बातें बताई जिनसे हत्या का शक ही गहरा रहा है, लिहाजा इन्हें पुष्ट करने के लिए सुशांत की विसरा की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि विसरा दरअसल पेट से निकले कुछ वो हिस्से होते हैं जिनसे मेडिकल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी के मौत के बारे में सालों के बाद भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। एम्स की विसरा रिपोर्ट करीब 10 दिन के बाद सामने आएगी, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि सुशांत को रात के खाने या फिर सुबह के जूस में किसी तरह का जहर या ड्रग्स तो मिलाकर नहीं दे दी गई। जाहिर तौर पर सीबीआई के हाथ लगी ये 3 चाबियां काफी इंपॉर्टेंट है और ये सुशांत के केस से जुड़े वो तमाम ताले खोल सकती है जिनमें पूरा देश पिछले काफी वक्त से उलझा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।